अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़िया रहमान। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने कहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा, बहुत सारे दोस्तों ने बात की कि अगर कोई दोस्त टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो उसका रिवाइवल कैसे होगा, उसको रिन्यू कैसे करें, उस तल्लु को दोबारा से बहाल कैसे करें, इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा आपको एक ऐसी टिप दूं कि जिससे आपका तल्लुक फिर से बहाल हो सके, आप फिर से पहले जैसा माहौल कायम कर सके, पहले जैसा रिलेशन कायम कर सके। ऐसा होता क्यों? बड़े बड़े कामयाब लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत ज़्यादा मालदार लोग, पैसे वाले लोग, बड़े उहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ भी ऐसा होता है। हमें ज़िंदगी में चार इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ता है, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। एक हमारी फिजिकल इंटेलिजेंस होती है, मेंटल इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, और फिर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इन चारों डायमेंशन के ऊपर इंशाल्लाह अलग से किस दिन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। आज सिर्फ बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के किसी एक फैक्टर के ऊपर जो आज हमारे लिए जरूरी था डिस्कस करना। इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? बहुत सारे दोस्त जो फिजिकली फिट होते हैं लेकिन इमोशनली अनफिट होते हैं, वो अच्छे दोस्त बनाना नहीं जानते, वो दोस्तों के साथ चलना नहीं जानते, वो किसी रिश्ते को ज्यादा देर तक बरकरार रखना नहीं जानते, वो किसी तल्लुक को ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये पहली मीटिंग में तो बहुत अच्छा दिख रहा होता है, दो चार दफा इसके साथ रहो तो हर बंदा इससे तंग आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आप पहली मीटिंग में तो अच्छा इंप्रेशन डाल रहे होते हो लेकिन बाद में आप ना काम हो जाते हो, आप वो वैसा अपना स्टेटस बरकरार नहीं रख पा रहे होते। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का फेलियर है कि आप इसमें नाकाम हो, इमोशनली इंटेलिजेंस में आप वीक हो। आपको अपनी इस इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया और हम ये हो गया, रूठ गया, तो हम कैसे करें, सबसे बड़ी खामी जो मेरे नज़दीक, सबसे बड़ी कमी जो रह गई और गलती कर रहे होते हैं आप लोग, वो ये कर रहे होते हैं कि आप तो ऐसे बंदे के साथ दोस्ती लगा बैठते हैं या इमोशनली ऐसे बंदे के साथ अपनी अटैचमेंट कर लेते हैं जो कदरदान नहीं होता। कदरदान से मुराद जो आपकी कदर नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, आपका एहतराम नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं देता, आपकी इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझता, आपके एहतराम को अपना एहतराम नहीं समझता, आपकी इंसल्ट को अपनी इंसल्ट नहीं समझता। जो बंदा आपको इज्जत नहीं दे सकता, जो बंदा आपको आपका एहतराम नहीं कर सकता, जो बंदा आपको वैल्यू नहीं दे सकता, रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, आप उससे दोस्ती कैसे लगा सकते हैं? दोस्ती के लिए तो शायद पहली शर्त यह है कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत, आपकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट, आपकी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट, आपका जीना मेरा जीना, आपके लिए कुछ अच्छा होना मेरा मेरे लिए अच्छा होना, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी, आपकी नाकामी मेरी नाकामी। अगर ऐसा नहीं है तो वो दोस्त नहीं है। और उस बंदे के साथ अगर आप इमोशनली अटैच हुए हैं तो बहुत बड़ी गलती की आपने उसके साथ इजहार करके कि मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता, तू मेरा बेहतरीन दोस्त है, तेरे से बेहतरीन है ही कोई नहीं, तेरे बगैर तो मैं मेरा जीना मुश्किल हो जाता है, तेरे बगैर तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा है तो बहुत गलत किया। याद रखिएगा उस बंदे के साथ, अगर आप किसी बंदे के साथ भी आप इमोशनली अटैच हुए हैं तो उसके साथ इजहार ना करें जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि ये बंदा आपका कदरदान है, आपकी कदर करने वाला होगा, आपकी इज्जत करने वाला होगा, आपका एहतराम करने वाला होगा। अगर ऐसे बंदे के साथ आपने इजहार कर दिया जो आपकी इज्जत नहीं करने वाला तो आप तो रुलेंगे भाई, फिर तो ये तयशुदा बात है, फिर बड़ा जिगरा रखिए बहुत कुछ बर्दाश्त करने को, फिर इंसल्ट भी होगी, 10 बंदों में बैठते हुए वही करेगा जिसको आप अपना सबसे ज्यादा महबूब समझते हैं, फिर वही आपको डिग्रेड करेगा, डिवैल्यू करेगा, आप खुद महसूस करेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं इसकी इतनी इज्जत करता हूँ, आप शिकवा शिकायतें करते नजर आ रहे होंगे, देखें जी मैं इसका इतना ख्याल रखता हूँ, ये मुझे समझता ही नहीं है, ये मुझे वैल्यू नहीं देता, मैं क्या करूं, मैसेज करता हूँ ये मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा होता, 10 मैसेज कर दिए बता ही नहीं रहता हूं। आप कहते हो जी मैं तेरे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तू मुझे वक्त नहीं देता, चल कोई बात नहीं, अल्लाह तेरे से पूछेगा, तू जितना मुझे हर्ट कर रहा है, ऐसे वैसे ऐसा नहीं करते होते। कभी भी किसी बंदे को अपनी फीलिंग्स शेयर ना करें, स्पेशली उस बंदे के साथ जो बहुत छोटा दिल रखता है, जिसके दिमाग में कोई बात टिकती नहीं है, जो बात शेयर करने का आती है या लोगों की मोहब्बत को समो नहीं सकता अपने अंदर, उस बंदे के साथ कभी इजहार ना करें। और अगर वास्ता पड़ ही गया ना तो फिर एक काम करें, चंद दिन आप भी उसको इग्नोर करके देखें, चंद दिन आप भी उसको टाइम ना दें, चंद दिन आप भी उसको ये एहसास दिलाएं कि भाई तेरे बगैर भी जिया जा सकता है, तेरे बगैर भी रहा जा सकता है, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं खुश रहता हूँ और खुशियां सेलिब्रेट करता हूँ, अपनी कामयाबियों को सेलिब्रेट करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे कदर करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं,
उनके साथ बैठें, गपशप लगाएं और उसको एहसास दिलाएं कि तेरे बगैर जिया जा सकता है, तेरे बगैर रहा जा सकता है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह वो बंदा समझेगा कि भाई मैं जिसकी कदर नहीं कर रहा था वो बहुत ज्यादा कदर के लायक था, इज्जत के लायक था। मुमकिन है वो आपकी तरफ दोबारा लौट आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।